हेलो गाइस, ऐसे ही जैसे आपको बताया था, पताया में जिम बंद हो गए हैं, जिम्स आर क्लोज टेम्परेरीली। तो वी आर डूइंग वर्कआउट्स एट आवर होम, मेरी विला है उसमें वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग। वी आर बैक टू बेसिक्स, वही क्वारंटीन में जैसे वर्कआउट किए थे वही वाली फील आ गई है दोबारा से, बॉडी वेट वर्कआउट्स और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो वी आर ट्राइंग टू स्टे फिट बाय एनी वेज वी कैन डू इट। सो कीप वॉचिंग अस, कीप फॉलोइंग अस। ये अभी हमने बॉडी वेट वर्कआउट किया था सारा HIIT, और अभी थोड़ी सी हमारे पास लाइट वेट के बारबेल है, तो वी आर डूइंग सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसमें बाइसेप्स के लिए, अपना शोल्डर के लिए, थोड़ा बैक के लिए वी विल डू सम ट्रेनिंग। उससे क्या है, मसल पंप रहती है। वर्कआउट इज़ डन, आज होम वर्कआउट था टोटल। सो हमने की HIIT एंड लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कैलोरीज बर्न हुई अराउंड 600 to 700, सो नॉट बैड। जब तक जिम नहीं खुलेंगे वी विल डू दिस वर्कआउट घर पे ही, थोड़ी सी स्विमिंग कर लेंगे, हमारा पूल है, और बाकी रनिंग एज यूजुअल आउटडोर। तो अभी मोस्टली वी विल बर्न आवर कैलोरीज विद आउटडोर वर्कआउट्स एंड बॉडी वेट वर्कआउट्स। सो कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Thank you.
कैसा लगा हमारा होम जिम। दिस इज आवर सेटअप, न्यू सेटअप, हमारे थाईलैंड पावर लिफ्टिंग यूनियन के वेट्स काम आ गए। वी डू पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स इन थाईलैंड ऑल्सो, तो आज उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज जिम्स तो बंद है। सो वी डिड अ गुड वर्कआउट ऑफ चेस्ट एंड बैक, तो डेली वी विल कीप अपडेटिंग यू कि घर पे कैसे वर्कआउट कर रहे हैं हम। अगर आपके पास जिम इक्विपमेंट नहीं भी हैं देन ऑल्सो यू कैन डू होम वर्कआउट्स, वी हैव ऑलरेडी वीडियोज अबाउट दैट। सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। टेक केयर, बाय बाय।